आजकल तुम मुझे देखकर खुश नहीं होती। सुनिए, पहले पहले भी था जाओ यहां से। अरे बहुत हो गई शक्त है, बहुत हो गई शक्त। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी होना। तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूं मैं। सोचने की ताकत खत्म हो गई है मेरी। इसीलिए कैसे जिंदगी को खत्म करने चला था जो अभी तक इस दुनिया में आई नहीं। मोना, मैं तुमसे प्यार करता हूं लेकिन मैं अपने होने वाले बच्चे की जिंदगी नहीं ले सकता। सुना तुमने, मैं अपने होने वाले बच्चे की जान अपने हाथों से नहीं ले सकता। सुधीर, तुमने तो कहा था ना? क्या कहा था? मोना, मोना, तुम्हारे लिए मैं सुनीति को अपने घर अपने माँ बाप सबको छोड़कर तुम्हारे पास आ गई। तो उससे क्या होता है? अपनी पत्नी बना सकते हो? मुझे बना सकते हो अपनी पत्नी? तुम्हारी जिंदगी में मैं सिर्फ दूसरी औरत होंगी। अब ये तो तुम्हें बहुत पहले सोचना चाहिए। अगर तुमने मेरी पत्नी कहलाने का इतना शौक तो यू शुड हैव गॉट इनवॉल्व इन द फर्स्ट प्लेस। कि तुम कह रहे हो सुधीर? तुम ही तो डेलिबरेटली झूठ बोलते रहे, अपनी पत्नी की गलत पिक्चर पोर्ट्रेट करते रहे, चले आए करते थे मेरे पास सिंपैथी के लिए। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझती थी, एक अच्छा दोस्त, अपना हमदर्द। तुम उसे खिलवाड़ करते रहे, घर में पत्नी बाहर में। वो तो मेरी आंखें तब खुली जब सुनीति माँ बनने वाली। मैंने तुम्हारे दिल से नहीं खेला, तुमने मेरे दिल से खेला है, मजाक बना है मेरे प्यार का। लेकिन मैं सुनीति नहीं हूँ जो तुम्हारी कोई भी नॉनसेंस को बर्दाश्त करती रहूंगी। तुम्हारे और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज ओवर। प्लीज मेरी जिंदगी में दोबारा आने की कोशिश मत करना। चले जाओ यहाँ से। ज़्यादा रोब मत दिखाओ मुझे। समझती क्या आपने? हाँ? ये मत भूलो कि जिस घर में तुम रह रही हो ना, वो मेरा है। तुम्हें जाना तो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सर पर चढ़कर बोलो। चली जाती हूँ मैं यहाँ से। यही सब कुछ सुनना बाकी रह गया था ना। चली जाओ, आगे आके तुम अपनी औकात पर। नहीं रहना मुझे यहाँ। खेलो। कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मोना, गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। भावना, तेरे कोई टाइम है फोन करने का? जब लोग सुबह सुबह उठते हैं तो मुस्कुराते हैं, ग्रंबल नहीं करते। सो के उठते तब ना। अभी ना मैं सो के उठा हूँ और ना अभी सुबह होगी। ओके, कॉल मी लेटर। ईशान जी, इस शहर में सनराइज 5:58 को ही हो जाता है। तो बहस करना बिल्कुल बेकार है। क्या बात है बोलो। पहले प्यार से बात। क्या बात है बोलो। ठीक है? तो नहीं है, वो चल जाएगा। अच्छा, तुम्हारे बेड के राइट हैंड साइड वाला डोर क्या है भावना? खोलो ना। ओ क्या है, खोल लिया मैंने। कुछ मिला आपको? मैगजीन्स रखी है, और क्या है? एक एनवेलप होगा। क्या? Cupboard. What is this happening early in the morning? तू खोल कर देख। क्या तमाशा कर रही हो ये सुबह सुबह? क्या हो रहा है ये? वार्डरोब तक पहुंच गए? हाँ पहुंच गए। वार्डरोब खोलते ही आप एक्सट्रीम राइट में एक ब्लू शर्ट टंगी हुई, उसके पॉकेट में हाथ डाल के देख। ओके। अरे वाह, क्या कंसीडरेट है, सरदर्द की गोली है। कौन सी शर्ट में देख रहे हो तुम? ब्लू शर्ट। सॉरी, दैट वाज अ ग्रीन शर्ट। गो टू द किचन। भावना जाओ ना, तुम्हें मेरी कसम। भावना क्या बचपन है, अभी तुम्हारी और मेरी शादी होने में टाइम है ना। हाँ क्यों? अच्छा है, मुझे शादी के बारे में थोड़ा दोबारा सोचना पड़ेगा। ईशान जी, अब आप कुछ नहीं कर सकते, शादी के कागज भी छप चुके हैं। अरे ये शादी अब तक हुई तो नहीं है ना। हुई तो आप फंस गए हैं, आप कहीं नहीं जा सकते। मैं शादी के मंडप से उठ के भी भाग सकता हूँ। मैं आपको भागने दूँ तो ना, पहुँच गया आप? हाँ पहुँच गया। ईशान, सुबह सुबह किचन की तरफ क्या कर रहे हो? डैड
चाय चाय बना के जा रहा हूँ। मेरे लिए भी एक बना देना जी। और ये फोन किसका है? लॉन्ग डिस्टेंस कॉलर डैड, समबडी यू डोंट नो। आपने डैड को मेरा नाम क्यों नहीं बताया? मेरा दिमाग खराब हो गया, लड़िया कहेंगे अपनी होने वाली बीवी का दीवाना हो गया। चल मैं किचन में पहुंच गया, बोलो क्या करना है। आपने डैड को चाय का कप प्रॉमिस किया था, बनाइए। मुझे चाय वाय बनानी नहीं आती। मैं समझाती हूँ ना फोन पे, बनाइए। मुझे चाय नहीं बनानी है। शक्कर का डब्बा खोलो। अरे अब मुझे चाय नहीं बनानी है। मैं कहाँ चाय बनाने के लिए कह रही हूँ, शक्कर का डब्बा खोलो। Getting a little too far, okay? कहाँ है शक्कर का डब्बा? हम मिल गया ये व्हाट, किचन के सामने वाला साइड डोर खोलिए। तो मुझे अपने घर तो नहीं बुला रही हो ना? लास्ट टाइम प्लीज। दैट्स वेरी स्वीट, ये बात है। हैप्पी वैलेंटाइन डे। सेम टू यू। बुके के साथ और भी कुछ? हाँ, एक चिट है। शाम को मिलते हैं। हाँ जरूर मिलते हैं। I look forward to it. अरे भावना, देखिए इस बार पहल आपने की है, वो कर मत जाइएगा। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। अरे बेटे चाय? अब तुम यहाँ पे क्या कचरा फैला रहे हो फिर से? तुमने ब्रश किया है कि नहीं? ब्रश तो मैंने कर लिया था सुबह। तो फिर जाकर नहा लो, मैंने बाथरूम में तुम्हारे लिए गर्म पानी भर के रखा है। मैं अभी नहीं नहाऊंगा। मुँह हाथ तो दोनों तुम्हारे लिए ऑमलेट बना देती हूँ। मैं भूख लगी नहीं ना मेरे को अभी। तो फिर क्या चाहिए नीरज? कुछ भी नहीं। अगर कुछ नहीं चाहिए तो सुबह से मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? तुमको कुछ कहना है बोलो। अब क्या कहना है? हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे, ये तुम्हें किसने बताया? भावना ने बोला, सुबह आई ना इसी से इतना बड़ा गिफ्ट लेके, उसने मेरे को बोला जिसको प्यार करते हैं ना उसको बोलते हैं हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू, सेम टू यू। ओके और कुछ? नो। हर पल चाहे वो साथ रहे, क्या प्यार दिलों में जागा है। जिसने
मैंने तुमसे पहले ही कहा था डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग ड्रामेटिक, डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगेगा। तो डैड ने साफ मना कर दिया। बहुत ही स्ट्रांगली खिलाफ है वो मॉडलिंग के। मैंने अपने फ्रेंड पारुल दुबे का जिक्र किया था उनसे, उसी में विफर गए। कहने लगे तुम्हारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो तुम शादी कर लो या मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लो। लेकिन मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है, एक रास्ता था वो भी बंद होता नजर आ रहा है। भैया अगर ये खबर मैं जाकर बॉस को सुनाई ना तो मेरे फ्यूचर के सारे दरवाजे बंद, उम्र भर असिस्टेंट ही बनकर रह जाऊंगा मैं। Your boss is being very unreasonable. And I'm sorry to say so is your father, Priya. क्या खराबी है मॉडलिंग में? प्रिया मैं पूछता हूँ क्या बुराई है, क्यों नहीं कर सकती तुम मॉडलिंग? ये मेरी सोच नहीं है, डैड की सोच है। और तुम उन्हें करेक्ट भी नहीं कर सकती? बस इतना ही प्यार करती हो तुम मुझसे प्रिया? ये तुम क्या कह रहे हो अनुपम? मैंने तुमसे प्यार मॉडलिंग करने के शर्त पे नहीं किया था। तुम्हें मेरे डैड के बारे में कुछ भी कहने का हक नहीं। अगर कुछ कहना है तो जाके अपने बॉस से कहो। तुम ठीक कहती हो प्रिया, I'm very sorry. वो मैं जरा अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर थोड़ा ऑफ बैलेंस हो गया। कोई बात नहीं, ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी ना मुझे, कहीं और जाकर काम कर लूंगा मैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फिर से स्क्रैच से काम करना शुरू करना पड़ेगा मुझे। क्या फर्क पड़ता है भैया, साल दो साल ही लगेंगे ना, तो क्या होगा? तुम्हारे डैड में इतनी सब्र तो होगी नहीं, तब तक वो तुम्हारी शादी किसी और से कर देंगे। बस इससे ज्यादा कुछ और नहीं होगा भैया, बस। क्या कोई और रास्ता नहीं है? ये नहीं कर सकती तुम, सिर्फ एक ही ऐड की तो बात है, किसी को पता भी नहीं। और किसी को पता चल गया तो? तब की तब देखेंगे। ठीक है। थैंक यू। झूठ, उस दिन तो डर गया था। किस दिन? उस दिन जब तू रोने लगा था। बदला, मैं पाँव में फंसों से काट चुका। तुझे सचमुच डर नहीं लगता? मैं ना सिर्फ एक बार डरा था, जब मैं छोटा बेबी था ना, इतना सा। इतना सा? जब इतना वाला, तब तक डरा था। क्यों? अब तो दादा जी के साथ था, गोदाउन में गया। गोदाउन में गया, वहाँ पे अंधेरा था, बिल्कुल दिखता ही था, दादा जी भी नहीं दिख रहे थे। फैला वहाँ पे कोई आया अंधेरा, उसने दादा जी को ना अंधेरे में। नीरज, नीरज, दादा जी को ना अंधेरे में। नीरज, इसका मतलब समझ के आपने? जिसमें इसका मतलब ये हुआ कि नीरज के दिमाग में सब कुछ स्टोर्ड है, वो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इसे एक्सेस करते आ रहा है। शायद उसके डर और ट्रॉमा का कारण भी यही है। बस एक बार हमें पता चल जाए उसके दादाजी की मौत, सात रंगों का डर, उसकी दिमागी हालत, ये सब में कोई गहरा कनेक्शन है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? हमें उसे फिर से हिप्नोटाइज करना पड़ेगा, उसके पास में ले जाना पड़ेगा, शायद इस टाइम कुछ और निकल आए। ओके। रिलैक्स नीरज, रिलैक्स, आंखें बंद करो। नीरज तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही? नीरज दिन जब तुम फ्रैंक से बात कर रहे थे, हमने वो रिकॉर्ड किया। नीरज, चाहता हूं कि तुम उस दिन में वापस जाओ जिस दिन तुम दादाजी के साथ वापस जाओ, बात करो क्या हो रहा है।
तंग कर रहा था उसने बगल के देखो कर लिया लाला आदमी का गले में बुआ बांध दिया क्या हो रहा था उस दिन आराम से याद करके बताओ रिलैक्स नीरज क्या हुआ डॉक्टर बेहोश हो गया आई थिंक ये एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत ट्रॉमेटिक था कौन है सुधीर का दोस्त है इतने सारे
मिसेस खन्ना, नीरज को होश आ गया है। He's perfectly normal. मैं उसे मिल सकती हूँ डॉक्टर? नहीं अभी नहीं, उसे आराम की जरूरत है, बाद में मिलेंगे। नीरज के रिग्रेशन से एक बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी ने उसके दादाजी की जान लेने की कोशिश की है। उस बात का गहरा सदमा पहुंचा है नीरज को, लेकिन ये हमारा ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन है। असल में उस दिन क्या हुआ वो सिर्फ नीरज बता सकता है। उसे रिकंस्ट्रक्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हमें यह पता लगाना है कि नीरज की दादाजी की मौत हुई कैसे। क्या आप ये पता लगा सकते हैं? I'll try, doctor. सद्गुणयुक्तः त्रियः धर्मपत्नी।